सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, ये पीएस डीजे ब्लॉग नंबर वन जो चैनल है या आप लोगों का चैनल, तो गाइस यार आप लोग जो भी इस पे कमेंट करते हैं उसी टाइप का वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो गाइस यार काफ़ी सारे मेरे भाई लोग का भर भर के मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि लाइव प्रोग्राम में जो सेटअप लगता है उसके बारे में डिटेल बताइए कि लाइव प्रोग्राम में सेटअप को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, टॉप के अंदर कितने वाट्स का स्पीकर होता है और कौन सा मिक्सर पे लाइव प्रोग्राम बेटर साउंड क्वालिटी निकाल कर देता है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं जो कि लाइव प्रोग्राम में एक सेटअप लगा हुआ है। तो गाइस यार इस सेटअप के बारे में सारा कुछ आप लोग को डिटेल और इसका कनेक्शन बताएंगे कि कैसे आप लोग को एक चैनल पे दो टॉप को रन करना होता है और कैसे आप लोग को लाइव प्रोग्राम में अपने टॉप को एक स्टेबल जगह पर रखिएगा ताकि आपका साउंड क्वालिटी जो है परफेक्ट साउंड क्वालिटी सुनने को मिले। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या गाइस उसका यूजर आईडी आप लोग को स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो टॉप लगा हुआ है जो कि यहाँ पर फायर मॉडल का ये सीरीज है जो कि आप लोग को स्टूडियो मास्टर की तरफ से देखने को मिल जाएगा जो कि स्टूडियो मास्टर का फायर सीरीज का काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का टॉप है। तो गाइस यार यहाँ पर केवल कैबिनेट का यूज़ किया गया है लेकिन गाइस यार इसके अंदर NX Audio का 400 वाट्स का स्पीकर फिट किया गया है प्लस में 80 वाट्स का HF है जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का साउंड देता है। तो गाइस यार ओवरऑल मान के चले तो जो मेरा ये टॉप है टोटल 900 वाट्स मिलाकर है और गाइस यार ये टॉप भी जो मेरा है 900 वाट्स है। तो गाइस यार दोनों टॉप को जो पैरेलल में यहाँ पर कनेक्शन करके एम्पलीफायर पे चला जा रहा है और गाइस यार उस साइड में मेरा दो टॉप है जो कि गाइस यार यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी दो टॉप लगा हुआ है जो कि NX Audio का 400 वाट्स का इसके अंदर स्पीकर फिट किया गया प्लस में 80 वाट्स का ऐसे फिट है जो कि आप लोग को पता है कि आरएमएस पावर में आता है। तो गाइस यार टोटल मेरे टॉप का वाटेज हो जाएगा 900 वाटेज। तो गाइस यार 900 वाटेज का एक टॉप हो गया और 900 वाटेज का एक टॉप हो गया तो टोटल ये टॉप 9x1800 वाटेज 2 ओम लोड पे चलेगा। आगे आप लोग को बताएंगे कि कौन सा एम्पलीफायर पे ये टॉप चल रहा है और कैसा इसका कनेक्शन है जो कि आप लोग को लाइव प्रोग्राम में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। तो गाइस यार यहाँ पर दो मेरा टॉप इस साइड में लगा है और दो टॉप मेरा उस साइड में लगा है जो कि काफ़ी परफेक्ट साउंड क्वालिटी निकाल कर देगा। और गाइस यार यहाँ पर आप लोग को दो मॉनिटर भी देखने को मिल जाएगा जो कि उस साइड में हम मॉनिटर को लगाए हैं जो कि यहाँ पर आप लोग स्टेज पे देख सकते हैं जो कि उसके अंदर PIDO का 15BM400BV3 वाला मॉडल का यूज़ किया गया जो कि PIDO का स्पीकर AS पावर में आता है जो कि आप लोग को नज़दीक से क्लोज लुक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फीडबैक के लिए यहाँ पर इस स्टेज में मॉनिटर के रूप में यूज़ किया गया जो कि इसके अंदर PIDO का हम 400 वाट्स का स्पीकर यूज़ किया गया जो कि आप लोग को AS पावर कहता है जो कि 15BM400V3 का है। तो एक ये वाला हो गया और एक वो वाला आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो गई सर कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग को टॉप का मैनेजमेंट किया गया है। अब गई सर रहा बात हरन का तो हरन उस साइड में लगा है जो कि फीडबैक इस टाइप से देने के लिए यहाँ पर हरन का यूज़ किया गया है। और गई सर जितना भी मेरा एम्पलीफायर है टोटल आप लोग को इस टाइप में एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा जो कि इस वाले एम्पलीफायर पे चार टॉप मेरा चल रहा है जो कि ये स्टूडियो मास्टर का 3000 वाट्स का एम्पलीफायर जो कि पी सीरीज का एम्पलीफायर जो कि आप लोगों को पता है कि पी सीरीज का जितना भी एम्पलीफायर होता है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा और काफ़ी हैवी क्वालिटी का एम्पलीफायर होता है। और गाइस यार यहाँ पर जो ये है स्ट्रेंजर का 500 वाट्स का एम्पलीफायर है और ये जो है ये भी स्ट्रेंजर का 500 वाट्स का एम्पलीफायर है। तो गाइस यार इस एम्पलीफायर को आप लोग को आगे साइड से दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये ऊजा का 250 वाट्स का एम्पलीफायर है और ये स्ट्रेंजर का PVT 501 एम्पलीफायर है जो कि 500 वाट्स का है। यहाँ पर भी स्ट्रेंजर का PVT 501 एम्पलीफायर है जो कि टोटल एम्पलीफायर आप लोग को ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। और इस वाले एम्पलीफायर पे जो मेरा मेन टॉप है 4900 वाट्स का वो वाला इस पे चल रहा है जो कि इस वाले चैनल पे इस साइड का दो टॉप चल रहा है और इस वाले चैनल पे उस साइड का दो टॉप चल रहा है। वैसे ओवरऑल मान के चले तो मेरा 900 वाट्स का एक टॉप हो रहा है तो एक चैनल पे VN ने 2 ओम पे लोड दिए 1800 वाट्स का जो कि इस एम्पलीफायर का पावर है 1500 वाट्स। तो थोड़ा यहाँ पर टॉप का वाटेज ज़्यादा हो रहा है लेकिन गाइस यार ये एम्पलीफायर इजीली हैंडल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो थोड़ा इसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा कर रखेंगे तो इजीली कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इस वाले चैनल पे मेरा दो टॉप चल रहा है और इस वाले चैनल पे दो टॉप चल रहा है जो कि एम्पलीफायर 2 ओम पे 1500 वाटेज निकाल कर दे देगा RMS में और ये भी 2 ओम पे 1500 वाटेज निकाल कर दे देगा जो कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज का 3000 वाट्स का टर्निंग सीरीज एम्पलीफायर जो कि स्टूडियो मास्टर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीरीज का एम्पलीफायर होता है।
और इस वाले एम्पलीफायर पे मेरा दो मोनिटर चल रहा है, जो कि एक मोनिटर उस साइड में है और एक मोनिटर इस साइड में है। तो गई सर ये 500 वाट का एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें हम लगभग तो पता है कि जो पी आईडीओ का स्पीकर होता है टोटल एस पावर में होता है, तो उसका हम आरएमएस पावर निकाल के चलेंगे तो इजीली उसका आरएमएस पावर 300 वाटेज ही देखने को मिलेगा। तो 3 × 3 = 600 वाटेज हो जाएगा और इस वाले पे 600 वाटेज का लोड दिया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीडबैक मिलने वाला है इस सेटअप में। तो भैया ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका लोड दिया है। तो भाई सर यहाँ पर देख सकते हैं इको के लिए यहाँ पर रिलायंस कंपनी का इस यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का 1/40 जो कि है कोडलेस माइक के लिए यूज होगा। यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का यहाँ पर मिक्सर का यूज़ किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं डायमंड क्लब का 12.2 ये मिक्सर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉडल सीरीज का ये मिक्सर होता है, जो कि बहुत सारे लाइव प्रोग्राम में मैंने इस मिक्सर को यूज होते हुए देखा है, जो कि काफ़ी इसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। जो कि आप लोगों को पता है कि ये 12 चैनल का मिक्सर है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक से लगाई 12 चैनल का मिक्सर है। और गई सर इसका जो फेडर हो गया, जो कि ये मेन हो गया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया है। वहाँ पर आप लोग को एक स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा, जो कि स्टेबलाइजर आप लोग को 9.5 से 10 kVA के बीच का है, जो कि काफ़ी इस पर ज़्यादा लोड दिया जाता है। इस वाले मेरे एम्पलीफायर पे 5 हरन चल रहा है, जो कि 2 हरन इस साइड में फीडबैक के लिए है और 2 हरन इस साइड में फीडबैक के लिए। तो गई सर लाइव प्रोग्राम के सेटअप के लिए कुछ इस तरह से आप लोग अरेंज करना होता है, जो कि उस साइड में आप लोग को टॉप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग को तिरछा ऐसे करके टॉप आप लोग घुमाकर ऐसे तिरछा करके घुमा के लग गया, तो फीडबैक काफ़ी ज़्यादा आप लोग को बेस्ट मिलेगा। और गई सर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 2 टॉप लगा हुआ है। तो गई सर ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी लाउड आवाज़ मिलने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका साउंड क्वालिटी आएगा। तो गई सर अब हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, तो आइए अब हम इसको कनेक्शन के बारे में समझाते हैं। तो गई सर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन है। तो गई सर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सारा कुछ यहाँ पर आउटपुट लिया गया। गई सर इसे इनपुट करके इसे आउटपुट लेकर भैया ने इस वाले चैनल को इसमें दिया है और इनसे का कॉल आउटपुट इस वाले से कनेक्ट इस तरह से किए हैं। और गई सर यहाँ पर स्पीकर के लिए स्पीकर का यूज़ किया गया है और दूसरे तरफ 2 टॉप के लिए स्पीकर का यूज़ किया गया है। काफ़ी सारे भाई लोग ये बोलते हैं कि पी सीरीज का जो एम्पलीफायर होता है उसका बैक पैनल का सेटिंग दिखाइए। तो गई सर आप लोग देख सकते हैं इसका बैक पैनल का सेटिंग आप लोग को इसी तरह से करना होता है, जो इसका सेंसिटिविटी होता है 0.77 वोल्ट पर ही रखना होता है। आप लोग इसे 1.2 वोल्ट पे कीजिएगा तो आप लोग के स्पीकर जलने के चांस रहेंगे, इसलिए जलेगा क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर मैनेज आप लोग से नहीं हो पाएगा। इसका मोड आप लोग देख सकते हैं, जो कि इस एम्पलीफायर के अंदर आप लोग को 3 मोड देखने को मिल जाता है, जो कि एक आप लोग को मोनो मोड और एक स्टूडियो और एक पैरेलल। तो गई यहाँ पर ये भैया ने इसे स्टूडियो मोड पे चला रहे हैं, अगर आप लोग मोनो कीजिएगा तो केवल एक ही चैनल में इनपुट दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों चैनल में इनपुट दिया गया है, यहाँ पर ये स्टूडियो मोड में है। यहाँ पर आप लोग लो कट को ऑफ रखिएगा ताकि आप लोग का साउंड क्वालिटी बेटर मिलेगा। अब गई सर हम बात करेंगे कि बहुत सारे भाई लोग का ऐसा क्लेम होता है कि हमारे लाइव प्रोग्राम के सेटअप में काफ़ी ज़्यादा सीटी होता है। तो गई सर सीटी आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, आप लोग हैवी क्वालिटी का माइक का यूज़ कीजिएगा तो सीटी नहीं आएगा। आप लोग जो आपका ग्राउंड होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकती है अर्थिंग वाला सिस्टम है, तो जब लाइव प्रोग्राम चलेगा तो इस वाले अर्थिंग से आप लोग कनेक्ट कीजिएगा सारे यहाँ पर एम्पलीफायर में, तो सीटी का 10% चांसेस कम हो जाते हैं। और गई सर आप लोग को इको के लिए स्टेपलर लगाइएगा तो वहाँ पर भी सीटी का चांस कम हो जाता है। सीटी तभी आप लोग के सेटअप में आता है जब वहाँ पे सिग्नल दबता है और आप लोग गेंद से आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सीटी वहाँ पे दबता है। तो गई सर कुछ इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ मैनेजमेंट किया गया है। और गई सर यहाँ पर भोपर देने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर 4 पार लाइट का यूज़ किया गया, और गई सर यहाँ पर 2 आप लोग को फोकस लाइट का यूज़ किया गया, और वहाँ पर आप लोग को हॉर्न देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर फीडबैक देगा। ये गई अब हम इस सेटअप का साउंड क्वालिटी आप लोग को सुनाते हैं कि ये सेटअप कैसा साउंड क्वालिटी देता है, कैसा इसका प्रेशर आता है, कैसा पंच आता है। तो गई सर मैं आप लोग को NCS का म्यूजिक सुनाऊंगा, क्योंकि गई मैं किसी भी सॉन्ग को प्ले करूंगा अपने चैनल पे तो कॉपीराइट आने के डर रहता है, तो गई सर इसलिए मैं NCS का म्यूजिक प्ले करूंगा। तो चलिए आप लोगों को इस सेटअप का साउंड क्वालिटी हम सुनाते हैं। तो फाइनली गई अब हम इस सेटअप को चालू करके देखेंगे कि इसका कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है। तो फाइनली गई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडियो मास्टर का इसे हम इसे पावर बटन को यहाँ से पुश करेंगे, यहाँ पर आप लोग को इसमें पावर आना चालू हो जाएगा। टोटल 1 चैनल का और इस वाले चैनल का सिग्नल यहाँ पर लाइट इंडिकेटर है। गई सर मैं आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी एम्पलीफायर को रन करें तो यहाँ पर रेड क्लिप तक मत जाइए, रेड क्लिप तक जाइएगा तो वहाँ पर आपका स्पीकर जलने के चांस काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर लिम का यहाँ पर दिया है, किसी किसी एम्पलीफायर में आप लोग को रेड क्लिप देखने को मिल जाता है, और गई सर यहाँ पर आप लोग को टेम्परेचर देखने को मिल जाता है।
तो अगर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा हीट होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर का लाइट इंडिकेट ब्राइट होगा, तो आप लोग समझिएगा कि मेरे एम्पलीफायर में ज़्यादा हीटिंग प्रोटेक्शन का चांस हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम को आप लोग अरेंजमेंट कीजिएगा। बाकी गाइस यहाँ पर वॉल्यूम हाफ हाफ यहाँ पर किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर साउंड थोड़ा कम रखेंगे। और गाइस यहाँ पर जो मेरा 501 मॉडल का एम्पलीफायर है, ये भी ऑन हो गया। तो गाइस यार काफ़ी सारे मेरे भाई लोग पूछते हैं कि जो ओरिजिनल एम्पलीफायर होता है स्ट्रेंजर का, वो कैसा दिखता है। तो गाइस यार ओरिजिनल एम्पलीफायर कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि आप लोग को स्ट्रेंजर आइडियो का लोगो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ओरिजिनल एम्पलीफायर कुछ अलग तरीके से ही दिखता है। और गाइस यार यहाँ पर भी एक स्ट्रेंजर है, तो इसको भी मैंने ओपन किया। यहाँ पर उजिया का 250 SSM मॉडल है, यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया। यहाँ पर आप लोग को हॉर्न चलाने के लिए इस वाले पे स्विच को रखना होता है, जो कि स्विच अभी फंस रहा है, तो इस लाइट यहाँ पर ब्राइट हो रहा है। अगर आप लोग इस पे बॉक्स चलिएगा तो इस वाले को इधर कीजिएगा। इसे अभी हम यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम के लिए होता है, इको वगैरह सेट करने के लिए होता है। अब गाइस यहाँ पर हम मिक्सर को ऑन करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मिक्सर का यहाँ सब हम ऑन कर दिए और मिक्सर में लाइट आना चालू हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को म्यूट का एक स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि पार्टिकुलर पर चैनल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस वाले को बंद हम करना चाहेंगे तो इसे म्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर ये म्यूट का येलो कलर का लाइट ब्राइट होगा, तो टोटल आप लोग का ये म्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोग को म्यूट सारा किया गया। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि जो डीजे के लिए बजता है तो उसका कैसा सेटिंग होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गेन का वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पर ट्रेबल का हो गया, और यहाँ पर मिड का हो गया, यहाँ पर बेस का हो गया। तो कुछ इस तरह के से रिकॉर्डिंग बजता है गाना, तो इस तरह से सेटिंग होता है। गेन को भी आप लोग थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गाइस इसका साउंड क्वालिटी आप लोग को टेस्ट कराते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर आप लोग साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रेशर और पंच सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को ज़बरदस्त सुनने को मिलेगा। चलिए गाइस यहाँ पर आप लोग वॉल्यूम केवल हाफ पर है, अगर हम इसे फुल भी करेंगे तो ये स्पीकर जलने के चांस में नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर ये वाला ब्राइट करेगा तो थोड़ा आप लोग को सावधान रखना होगा, अगर ये वाला ब्राइट नहीं करेगा तो आप लोग को सावधान रखना होगा। ये मेरा मॉनिटर के लिए हो जाता है, ये मेरा जो होता है गेन होता है। गेन को आप लोग कम बेसी कर सकते हैं यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, जो ये रेड क्लिप है, ये आप लोगों को पीक वैल्यू तक नहीं जाना होता है, वरना आप लोग के स्पीकर जलने के चांस रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन करा हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि रेड क्लिप तक जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा रेड क्लिप तक जाएगा। तो जैसे जैसे साउंड का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा उस तरह से जाएगा। अब गाइस तो फाइनली गाइस आप लोग काफ़ी दूर तक भी आ गया हूँ, फिर भी इसका साउंड क्वालिटी जो है बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बज रहा है। तो गाइस यार इसका जो साउंड क्वालिटी है सुनकर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, जो दो टॉप टू साइड में लगा हुआ है। और गाइस यार दो टॉप टू साइड में लगा हुआ है, और गाइस यार कुछ मॉनिटर और इस साइड से यूज़ किया गया है। तो गाइस यार लाइव प्रोग्राम में बेस का कोई काम नहीं होता है, अगर आप लोग बेस यूज करना भी चाहेंगे तो इजीली आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है और काफ़ी है ताबड़तोड़ बज रहा है। तो गाइस यार इस तरह से आप लोग लाइव प्रोग्राम में अरेंजमेंट कीजिएगा तो सुपर आप लोग को साउंड क्वालिटी मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले में भी टॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ बज रहा है, आप लोग इसका साउंड क्वालिटी फाइनली गाइस इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों ने सुन लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बजता है।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और गई सर वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो गई सर लाइव प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कोई कोई बातों को ध्यान रखना होता है, जो कि अगर आप लोग मिक्सर को रेड क्लिप तक जाइएगा तो वहाँ पे उसका स्पीकर जलने के चांस होता होगा। तो गई सर अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे गई सर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोग को तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।